तो हे व्हाट्स अप गाइस यार, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे और आगे भी गाइस बढ़िया रहने वाले हो। तो गाइस यार, आगे तुम्हारा भाई एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और गाइस देखो, आज की जो वीडियो रहने वाली है ना, उसमें गाइस हम लोग बात करने वाले हैं सेंसिटिविटी सेटिंग पे। जी गाइस देखो, अगर आप लोगों को पता नहीं है ना, तो मैं बता देना चाहता हूं यार, फ्री फायर के ऊपर जो वन टैप हेडशॉट या फिर गाइस किसी भी तरह की करेक्टर की मूवमेंट स्पीड होती है ना, वो गाइस हमारी हैंडल रहती है सेंसिटिविटी सेटिंग के ऊपर, ठीक है। और गाइस यार, जिस बंदे ने अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग को अपने डिवाइस के हिसाब से एकदम से परफेक्ट रख लिया ना, वो गाइस एकदम से वन टैप हेडशॉट भी मार लेता है और गाइस फास्ट से जब ग्लू बॉल भी बहुत ही आसानी तरीके से लगा लेता है। तो यार देखो, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर गाइस आपका डिवाइस जो वो लो डिवाइस है ना, जिसकी रैम गाइस 2GB 3GB या फिर 4GB तक की है, तब गाइस आपको अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग जो वो किस तरीके की रखनी है, या फिर गाइस अगर आपका डिवाइस जो वो हाई रेंज तक का भी है ना, जिसकी रैम गाइस 6GB 8GB या फिर 12GB तक की है, तब आपको अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग जो वो किस तरीके की रखनी है, जिसकी हेल्प से गाइस जब भी आप ड्रैग खींचो तो एकदम से परफेक्ट वन टैप हेडशॉट भी लग जाए और आपके लिए इस करेक्टर की मूवमेंट स्पीड भी जो है वो इंक्रीज हो जाए। सो गाइस, कौन सी वो ऐसी सेंसिटिविटी सेटिंग रहने वाली है जो गाइस आपके डिवाइस को एकदम से परफेक्ट बैठेगी, चलो गाइस हम लोग फटाफट से जान लेते हैं। लेकिन यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार, जो भी बंदा प्लीज चैनल पर नया आया है ना, चैनल को यार सब्सक्राइब करके साथ में बेल वाले आइकन को ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर सेट कर दो। इससे गाइस हेल्प क्या रहने वाली है, जब भी गाइस मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा ना, हेल्पफुल वीडियोस गाइस जितनी भी होगी, जो जिसकी गाइस आपको जरूरत होगी, वो जल्द से जल्द आप तक जो है वो पहुंच जाएगी। सो मेक श्योर आप लोग चैनल तो सब्सक्राइब कर दोगे, और यार अगर वीडियो अच्छी लगी ना, तो यार वीडियो को प्लीज एक लाइक भी जरूर कर देना। तो चलो गाइस, अभी हम लोग विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग के ऊपर जो बढ़ जाते हैं। सो अभी गाइस देखो, हम लोग आ गए यहां पे अपनी गेम प्ले के बाहर। और गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो लोअर डिवाइस वाले हैं ना, जिनकी गाइस रैम जो वो 2GB 3GB या फिर 4GB तक की है, तो गाइस उनको अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग कैसी रखनी है। तो अभी गाइस आप लोग जो डिस्प्ले के ऊपर सेंसिटिविटी सेटिंग देख रहे हो ना, ये गाइस लोअर डिवाइस के लिए बिल्कुल परफेक्ट सेंसिटिविटी सेटिंग है, ठीक है। तो यार अगर आपका डिवाइस भी लोअर डिवाइस का है ना, तो आपको गाइस बिल्कुल ये वाली सेंसिटिविटी सेटिंग जो वो रख देनी है। जी गाइस देखो, ये अब तक की बिल्कुल बेस्ट सेंसिटिविटी सेटिंग है, जो कि गाइस लोअर डिवाइस को एकदम से परफेक्ट बैठती है। और गाइस अगर आप लोग जब भी ड्रैग खींचोगे ना, एकदम से गाइस आपका वन टैप हेडशॉट लग जाएगा, और गाइस ग्लू बॉल लगाने की ट्राई करोगे ना, तो बिल्कुल स्मूथ तरीके से आपका ग्लू बॉल जो है वो लग जाएगा। सो आई होप गाइस लोअर डिवाइस वाले अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग समझ गए होंगे। देन गाइस उसके बाद अगर हम लोग हाई डिवाइस की बात करें ना, तो गाइस देखो, अगर आपका फोन जो है वो 6GB 8GB या फिर 12GB तक का है ना, तो गाइस आपको बस दो चीजें चेंज करने हैं। एक गाइस आपको यहाँ पे जनरल की सेंसिटिविटी सेटिंग को कम करना है, आपको गाइस इसे 70 तक लेकर आना है, और दूसरा गाइस आपको चेंज करना है फ्री लॉक की सेंसिटिविटी सेटिंग, ठीक है। बाकी गाइस आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस आपको ये दो चीजें जो वो चेंज करनी है, और गाइस उसके बाद आप लोग देखना आपकी गेम प्ले जो वो कैसी हो जाएगी। सो गाइस यार मेक श्योर आप दोनों गाइस ये वाली सेंसिटिविटी समझ गए होंगे, लोअर डिवाइस वाले भी और हाई डिवाइस वाले भी। तो यार आप लोग बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। बाकी गाइस दूसरा मैं आपको एक बात बता दूं, आपको प्रैक्टिस भी करनी है, जब तक गाइस आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक गाइस कुछ भी नहीं जो वो होने वाला है। ट्रेनिंग राउंड में जाओ, वहां पे गाइस ट्रेनिंग करो, और देखना गाइस विद इन 2 या 3 डेज के अंदर गाइस आप लोग बिल्कुल प्रो प्लेयर की तरह जो वो खेलने वाले हो। सो यार आई होप आपको मेरी वीडियो गाइस समझ आ चुकी होगी, मैं क्या कहना चाहता हूं, और गाइस आप लोग कौन सी सेंसिटिविटी सेटिंग ढूंढना चाहते हो। तो गाइस ये अब तक की बिल्कुल बेस्ट सेंसिटिविटी सेटिंग है। तो यार आप लोग कमेंट में आगे बताओ आपको यार वीडियो कैसी लगी। तो यार वीडियो अगर थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी है, तो यार वीडियो को एक लाइक कर देना, और यार चैनल को भी सब्सक्राइब जो है जरूर से कर देना। तो बस यार गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।